अरे बाप रे. बजट प्लानिंग. सो दिस इज हाउ आई मैनेज माय प्लानर. वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज है सैटरडे, आई एम ब्लॉगिंग और आज मैं 2020 का अपना जो रेजोल्यूशन है, जो मेरे टॉप 8 रेजोल्यूशन हैं, गोल्स बोलूंगी, रेजोल्यूशन नहीं बोलूंगी, बाकी रेजोल्यूशन मेरे बहुत सारे हैं, तो उसमें से एक कंप्लीट करने जा रही हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड. तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पहुँचने के बाद या एंड में, एंड तक बने रहिएगा कि मैंने क्या कंप्लीट किया है. तो मुझे अभी सुबह सुबह निकलना है वहाँ के लिए. मैंने एक्चुअली ये दिसंबर एंडिंग में ही बुकिंग कर लिया था, रजिस्टर्ड कर लिया था, एंड कल और आज दोनों दिन मुझे जाना है. सो आई लेट यू नो कि मैं कहाँ जा रही हूँ. दीज डेज आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का स्किन प्लम फेस सीरम, काफ़ी अच्छा रही है. I'm all ready. और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने OOTD क्या पहना हुआ है. Wait a second. बहुत सिंपल सा ये वाला ज़ारा वाला टॉप है, एंड देन जीन्स, एंड आई एम वेयरिंग द सेम शूज, दैट्स इट. और ये मेरा बैग है जिसमें सारा सामान लेकर के जा रही हूँ. एंड आज क्योंकि सैटरडे है तो विक्की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू, वो लंच बनाने वाला है और मेरे लिए लंच भी विक्की ने ही पैक किया है. लंच क्या मतलब, नॉर्मल ब्रेड एंड ऑल. वाह, पत्थर की तरह कड़क है, इतनी कड़क क्यों हो गई? टोस्टर तो थी ना, पर ये माइक्रोवेव भी कर दी शायद. माइक्रोवेव और टोस्ट मिला के वो इतनी कड़क हो गई है. घर में कैब बुक करती हूँ. Hey guys, so I am here right now और अभी मैं अपने मोबाइल से व्लॉगिंग कर रही हूँ. सो आई एम एट अंधेरी सॉलिटर कॉरपोरेट पार्क और आपको मैं बताती हूँ बिकॉज मैं पहुँच गई हूँ ऑलरेडी. हाई गाइज, सो आई एम गोइंग फ्रॉम अंधेरी टू बांद्रा. बांद्रा में थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, सो आई एम कम्प्लीटिंग दैट और मैं ले रही हूँ ऑटो राइड. क्या वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. इट लुक्स लाइक मेरे पूरे बालों में, मेरे पूरे शक्ल पे, मेरे पूरे अंदर ऐसा लग रहा है फुल डस्ट डस्ट, धूल ही धूल लग रही है. और क्योंकि मैंने ऑटो राइड लिया है, फुल ऑन ऑटो से मैं करी हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरी से बांद्रा जाना था, मैंने ऑटो किया और मेरा वाला जो ऑटो वाला था वो रेडी हो गया थाने आने के लिए, तो मैं ऑटो से ही थाने आ गई. इसलिए मैं इतना जल्दी आ भी गई बिकॉज ऑटो वाले जनरली अगर आपको कहीं ऐसे जल्दी में जाना हो ना, तो लिटरली ऑल्दो मेरा पैसे उतने ही लगे, मुझे 558 रुपीज़ लगा वहाँ से यहाँ आने में, लेकिन अगर मैं कैब से आती तो मोस्ट प्रोबेबली 1000 लगता. एंड ठीक है, अभी मुझे कल फिर से जाना है. एंड विक्की ने पूरे घर को धो दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ. लुक एट दिस, हमारा जो घर है वो धोबी घाट बना हुआ है. और अभी बस मैं लंच करूँगी और लंच करने के बाद फिर से हम लोग जाने वाले हैं. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. येस, एंड ऑल्सो आई बॉट दिस वन एज वेल, मैं ये लेकर के आई हूँ. तो मैं बताऊँगी आपको कि मैं कहाँ लगाने वाली हूँ एंड क्या करने वाली हूँ. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड. हे गाइस, सो अभी हम आए हैं विव्याना मॉल. अभी अरे बाप रे, आज एक्चुअली आज और कल, मतलब आज 4th है एंड 5th है, तो साल में 2 दिन पूरे विव्याना मॉल में फ्लैट 50% ऑफ होता है. और मुझे ये चीज़ कल पता चली है कि आज यहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ है. तो विक्की और हम दोनों आए हैं. हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं विव्याना और देखते हैं क्या वहाँ पर शॉपिंग करते हैं. एक्चुअली मुझे बहुत बेसिक चीज़ें लेनी है, लाइक मुझे बेल्ट लेना है और 2-3 और चीज़ें लेनी है. और
मेरा इस साल का है कि मुझे कोई ऐसा ब्रांड लेना है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं ट्राई किया है. तो लेट्स सी कौन सा ब्रांड में ट्राई करती हूँ, थोड़ा लैविश वाला टाइप का. तो अभी सेल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर एल्डू वगैरह, एल्डू का मेरे पास कुछ भी नहीं है तो यस. और बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है. इनफैक्ट आज और कल यहाँ पर 50% ऑफ है, देन वेनसडे को ओबरॉय मॉल में 50% पूरे मॉल में है. मज़ा आ जाता है जब फ्लैट 50 होता है. मैं पहले आई हूँ एक बार और, सो यस लेट्स सी क्या मिलता है. हाय गाइस एंड वी आर बैक. और इतना रश था और हर जगह जहाँ पर कभी लाइन नहीं होती वहाँ पर भी ऑब्वियसली क्यू थी. मैं एक जगह आपको क्लिपिंग डालूंगी, एसबेडा पे लिटरली लाइन लगती है, मतलब इतनी खतरनाक लाइन लगती है, मुझे देख के बहुत हंसी आती है. लेडीज़ों की लाइन लगती है और सबके हस्बैंड्स बाहर से देखते रहते हैं कि कब हम उनकी वाइफ का नंबर आएगा एंड ऑल. बहुत फनी होता है वो देख कर. और मैं ओनली से कुछ लेकर के आई हूँ, एक तो मैं मेरे लिए लेकर के आई हूँ और एक और मैं गिफ्ट करने के लिए लेकर के आई हूँ और दूसरा मैं ज़ारा से कुछ लेकर के आई हूँ. ये सब आपको मैं शॉपिंग हॉल, क्लोथिंग हॉल अपना बनाऊंगी, बर्थडे शॉपिंग हॉल और बर्थडे मंथ शॉपिंग हॉल, उसमें मैं सब कुछ इंक्लूड करूंगी. अभी मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ. एक्चुअली इसमें से एक चीज़ ऐसी है जो विक्की ने एक्चुअली मुझे फोर्सफुली बोला है कि ले लो ले लो. विक्की को बहुत पसंद आ रही थी और वो हार्डली कभी, मतलब वंस इन अ वाइल बोलता है कपड़ों में स्पेशली कि ले लो अच्छा लग रहा है, या मुझे बोलता है. मैं ले नहीं रही थी, मुझे पसंद इतना नहीं आ रहा था, बट विक्की सेड ले लो एंड ऑल, तो इसलिए मैंने ले लिया. और ये है. और बाकी अभी हम लोग लिट्टी चौका लेकर के आए हैं, तो आज हम लोग वो खाने वाले हैं. यहाँ थाने में एक बहुत ही फेमस लिट्टी चौका वाले भैया हैं जो ऑथेंटिक लिट्टी चौका बना के सेल करते हैं, तो हम लोग वहाँ से लेकर के आए हैं. हाय गाइस, आज डे टू है एंड आई एम गोइंग फॉर माय यू नो वर्क अगेन. जो मैं कल करने के लिए गई थी वही आज गई हूँ. प्लीज़ अवॉइड द मेस बिहाइंड, क्योंकि सारे कपड़े सूख रहे हैं और विक्की जब कपड़े धोता है तब इसी तरह का हाल होता है घर का हमारे. मतलब कहीं पे भी जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है. यहाँ थोड़ी बहुत है, सब सामान वामान रखा हुआ है. एंड वट आई एम वेयरिंग इज, लेट मी शो यू. सो आई एम वेयरिंग दिस टॉप. दिस टॉप इज़ फ्रॉम फैबली से मैंने लिया था ये, आई थिंक टू ईयर्स पहले लिया था. बहुत कम पहनती हूँ मैं इस टॉप को. एंड जीन्स में मैं वही वाला जीन्स पहनी हुई हूँ अपना, वेरू ओनली वाला. एंड देन दिस फुटवेयर बेलीज जो कि मैंने ली थी फ्रॉम लाइफ स्टाइल. एंड दिस बैग इज़ फ्रॉम H&M. बहुत ही स्पेशियस बैग है. आई थिंक व्हाट्स इन माई बैग में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं ये वाला बैग यूज़ करती हूँ जब कहीं ऐसी जगह पर मुझे जाना होता है तब. एंड आज मैंने पोनीटेल बनाया हुआ है बिकॉज मेरे बालों में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई हैव सो मच ऑफ डर्ट एंड डस्ट, क्योंकि कल मैं ऑटो राइड से आई हूँ. और received this thing from a brand, ये और ये दो plates and तीन rods. ये dismantle condition में आया है मेरे पास, PR product you can say that. तो इसको मैं लगाती हूँ और लगाने के बाद आपको properly बताती हूँ कि ये कैसा लगता है. This is like a flower stand आप बोल सकते हो, this is like a plant stand or a flower stand. तो ये iron का है और इसकी जो price है that is 13 something. और द फिनिशिंग इज नॉट दैट गुड बिकॉज यहाँ से इसमें जो पेंट है वो निकल रहा है, बट लेट्स सी, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है वो. और साथ में इन्हें काफ़ी सारे स्क्रूज एंड नट्स दिए हुए हैं, सो आई एम गोइंग टू यू नो असेंबल दिस होल थिंग. Unable to do this because of my nails. That's why these long nails are very irritating. आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते हो. Have
और lack of patience की वजह से मुझे जब तक विक्की आएगा तब तक मतलब मैं इतना patience रुक नहीं पाऊंगी, मुझे देखना है कि कैसा लगने वाला है, तो इसलिए मैं खुद ही try करूंगी. I'll try, देखते हैं जब तक नहीं होता है try करेंगे, हो जाएगा कब तक नहीं होगा. So what I have created. तो ये काफ़ी अच्छा सा स्लीक सा डिज़ाइन है, तो आप इसके ऊपर प्लांट्स रख सकते हैं या कुछ शोपीस रख सकते हैं. स्टर्डी है कि नहीं है ये अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हल्का फुल्का सा इसका क्योंकि ये प्लेट है, बट बिकॉज दिस इज आयरन तो आई थिंक दिस इज स्टर्डी एंड इट्स गुड, इट इज लुकिंग नाइस. हाँ इतना इसका हाइट है, आप यहाँ पर प्लांट रख के अपने सोफे के साइड में या कहीं पर भी रख सकते हो. इफ lot of you are messaging me, on Instagram, on YouTube as well. Comment कर रहे हैं YouTube पे that they wanted to see my planner, my bucket list and etc. Planner किस तरह से मैंने planning करा है इस year का and all. So first of all मेरी जो bucket list है वो बहुत ही ज़्यादा basic है, मतलब कुछ ऐसा एकदम आप सोचो wow she wanted to do this ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही simple है. I think आप में से I am sure 60% लोग या 50% लोग ये कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बट मैं नहीं कर रही हूँ और मैं करना चाहती हूँ, बहुत ईगरली मैं करना चाहती हूँ. तो मैं आपको लास्ट ईयर का अपना बकेट लिस्ट जो है वो शेयर करती हूँ, बकेट लिस्ट नहीं बोलूँगी, दैट वाज जस्ट अ रेजोल्यूशन कि मैंने क्या क्या मैंने बनाए थे और क्या क्या मैं फुलफिल कर पाई. सो प्लीज डोंट जज मी विद दैट बिकॉज ये मेरे बहुत बेसिक रेजोल्यूशन हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोग अपने लाइफ में कर रहे होंगे, बट मैं नहीं कर रही थी और मेरे को लगता है कि मुझे करना चाहिए, दैट्स वाई आई मेड दिस रेजोल्यूशन. एंड लेट मी शेयर यू व्हाट वाज माय लास्ट ईयर गोल्स. सबसे फर्स्ट जो मेरा गोल्स थे ईयर गोल्स थे वो ये था दैट आई हैव टू ट्रैवल 5 न्यू लोकेशन, सिटी हो सकता है या वो कोई प्लेस हो सकती है. ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं 5 नई जगहों पर ट्रैवल करी हूँ लास्ट ईयर, सिटीज आप बोल सकते हो इंडियन सिटीज में. नेक्स्ट जो है दैट वाज सम फाइनेंशियल गोल्स जो कि मैं एग्जैक्टली शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट जो था गोल वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. एंड उसके बाद है गिफ्ट क्लोथ्स टू नीडी पीपल एंड शॉप लेस. तो येस आई डिड, आपको लगेगा कि मैंने कहाँ शॉपिंग लेस किया बिकॉज मैं बहुत सारे शॉपिंग हॉल बनाती हूँ. तो पहले जो मैं शॉपिंग हॉल्स बनाती थी वो मोस्टली मेरे खुद के पैसों से खर्च किए हुए शॉपिंग होती थी, बट क्योंकि नाउ आई एम एट अ पोजीशन आई गेट ब्रांड कोलैबोरेशंस और मुझे वहाँ से भी चीज़ें आती हैं, तो येस मैंने खुद से वाली जो शॉपिंग वो काफ़ी कम करी है एंड ब्रांड कोलैबोरेशंस वाले मतलब मैं ज़्यादातर वो बनाती हूँ, हॉल्स बनाती हूँ. सो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे जो क्लोथ्स हैं वो नीडी पीपल को डोनेट करे हैं, विच आई एम सो हैप्पी अबाउट. और उसके बाद नेक्स्ट ये था कि मेरे को ओवर थिंकिंग जो है अपनी उस पर कंट्रोल करना था, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, तो वो अभी भी मैं करती हूँ बट इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ है, बट हाँ उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, मेरे खुद की पूरी पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट है, जो लर्न न्यू स्किल्स. और यहाँ पर अभी आई एम स्टिल यू नो, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि मैं लास्ट ईयर ये सीखूंगी, बट वो नहीं हो पाया. वो क्यों नहीं हो पाया उसका कोई रीज़न नहीं है, बस उसका एक आंसर है कि वो नहीं हो पाया. और इस साल मैं अपना 100% दूंगी कि वो मैं कंप्लीट कर सकूँ. देन उसके बाद जो मेरे नॉर्मल गोल्स थे लाइक यू नो डेली डे टू डे बेसिस वाला था, वो ये था डेली स्किन केयर मॉर्निंग नाइट. मैं बहुत लेजी हूँ इन माई स्किन केयर, वेन एवर आई फील लाइक माई स्किन इज क्लीन, माई स्किन इज क्लियर, मैं स्किन केयर पर बहुत लेजी हो जाती हूँ. मैं नहीं करती हूँ प्रॉपरली फेस वॉश, टोनिंग, ये सब जो प्रॉपर प्रोसेस करना चाहिए ऑयली स्किन वालों को वो मैं नहीं करती हूँ, छोड़ देती थी. तो मुझे वो करना था लास्ट ईयर जो कि मैंने किया काफ़ी हद तक. देन 3 days योगा पर वीक वो भी मैंने किया, और सेविंग्स, और उसके बाद डेली स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम जो कि मैंने स्टार्ट किया करना, मैंने काफ़ी स्टोरीज डाली है लास्ट ईयर. देन
wake up at 8 AM. I know you must be laughing after listening this. कि 8 बजे कौन ये goal रखता है 8 बजे, क्योंकि विक्की तो बहुत literally विक्की मेरे goal tracking जो है ना वो जान पूछ के खोलता है, पढ़ता है और एक एक पढ़ने के बाद खूब हंसता है क्योंकि उसको ये गोल्स बहुत फनी लगते हैं और वो मेरा बहुत मजाक उड़ाता है. बट सीरियसली यार, मैं 8 बजे उठना भी इज़ लाइक अ गोल फॉर मी, बिकॉज मैं नहीं उठ पाती हूँ. मैं बहुत ही आई एम अ स्लीप लविंग पर्सन. आप मुझे अभी बोल दो कि कमरे में जाकर सो जाओ तो मैं सो जाऊँगी. मेरे को इतना पसंद है सोना. तो मैं पहले तो उठती थी, जब मैं ऑफिस जाती थी तब मैं 8:30 पे उठती थी, जब मैं कॉलेज जाती थी तब मैं 7 o'clock पे उठती थी, जब मैं स्कूल जाती थी तब मैं 7 o'clock पे उठती थी. बट अब मुझे ऐसा लगता है, मैं इमेजिन करती हूँ वो चीज़ कि मैं ये करती थी तो मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैं कर पाती थी. तो मुझे वो फिर से अपनी हैबिट डेवलप करनी है. और ट्रस्ट मी, मैंने इस पर कोई एफर्ट्स भी नहीं लगाए 8 बजे उठने वाला, तो मुझे ये करना है. देन ईट हेल्दी फूड, ये मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर. हम लोगों ने जंक फूड अवॉइड किया था एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी. देन था एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए उसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोज भी बनाए थे. सो ये था मेरा लास्ट ईयर का. बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मेरी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट अपना जो इस साल वाला जो प्लानर है वो मैं बताती हूँ. सो ये मेरा लास्ट ईयर का प्लानर था, इसको मैं संभाल के रखूँगी. इसके जो लास्ट ईयर प्लानर है वो भी मैंने संभाल के रखा है. लास्ट ईयर तक मैंने कोई भी विजन ट्रैकर नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि विजन ट्रैकर बेसिकली होता क्या और मैं उसमें लिखूंगी क्या और क्या मुझे स्टिक ऑन करना है एंड ये सारी चीज़ें. बट दिस ईयर आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक माई विजन ट्रैकर एज वेल. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत बेसिक चीज़ों से, बजट प्लानिंग. सो ये है बजट प्लानिंग. यहाँ पर दिया हुआ है आपके मंथली बिल्स एंड जनवरी फरवरी, ऐसा पूरा लिखा हुआ है. और मंथली बिल्स में क्या क्या मेरे बिल्स हैं और क्या क्या मैं खर्चा करती हूँ और कहाँ से मेरी इनकम आती है, वो सब मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ताकि मैं ईजिली इसको ट्रैक कर सकूँ कि मेरा जनवरी में कितना एक्सपेंस हुआ या इनकम आई, मेरे फरवरी में कितना एक्सपेंस हुआ या इनकम आई, वो चीज़. एंड मैंने लास्ट ईयर ये स्टार्ट किया था अपना, जो मैं मेरे जो खर्चे होते हैं, इवन इफ आई एम स्पेंडिंग 100 rupees ऑन ऑटो ना तो भी मैं लिखती हूँ वो चीज़. और इवन इफ आई गेट 500 rupees, आई मेक श्योर कि वो मैं अपनी जो लिस्ट है मेरी जो बन रही है डे टू डे बेसिस वाले उसमें मैं लिखूँ. तो वो मैं मैनुअली नहीं करती हूँ, वो मैं मोबाइल के थ्रू करती हूँ. लेकिन दिसंबर नवंबर में मैंने बिल्कुल भी कुछ ट्रैकिंग नहीं रखी अपने खर्चों की. तो मैं कोशिश करूंगी कि इस साल मैं प्रॉपरली विदाउट फेल ये चीज़ फॉलो कर पाऊँ. नेक्स्ट इसमें आती है 20 things एंड थिंग्स टू डू दिस 2020. तो अगेन बहुत बेसिक चीज़ें मैंने लिख रखी है, जैसे कि भाई ईट हेल्दी फूड. उसके बाद जो मैं पहले 3 days योगा का लिखा था, इस साल मैंने 5 days योगा एंड भाई 2 days डांस कर दिया है. डेली 1 fruit and 1 coconut water, ये भी मेरा वो बोल सकते हो आप. देन डेली स्किन केयर, 8 glass of water डेली, मैं ये भी नहीं करती हूँ, ये तो हो गए 5. देन उसके बाद अगेन कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं मेरे, अटेंड वर्कशॉप, लर्न न्यू स्किल्स विच आई ऑलरेडी कम्प्लीटेड. अभी जो 2 दिन मैं अभी आऊँगी इस चीज़ पर भी कि मैंने क्या अटेंड किया था, तो ये वर्कशॉप जो है ये कर लिया है. बट अभी मुझे और भी वर्कशॉप्स अटेंड करनी है. देन अभी ऐसे 6-7 है चीज़ें जो कि मुझे कम्प्लीट करनी है. जब मैं वो चीज़ें कम्प्लीट करती जाऊँगी ना, मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगी दैट माई गोल इज़ कम्प्लीटेड. ना बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि प्लानर पे या अपने गोल्स पे स्टिक ऑन कैसे रहना है. सी, मैं भी स्टिक ऑन थी, बट बहुत सारी चीज़ें मेरे से मिस हुई हैं जो मैंने नहीं करी हैं फॉलो. तो इट्स ह्यूमन नेचर, हम लोग प्रोकेस्टिनेट कर देते हैं चीज़ों को, लेजी हो जाते हैं एंड ऑल. सो इट्स ओके, इट्स ओके. जो आप उस चीज़ पे खुशी मनाओ कि वो जो 10 में से अगर मैंने 5 भी फुलफिल करे, तो लास्ट ईयर तक तो वो 5 भी मैं नहीं करती थी. सो आई डिड एटलीस्ट 5, सो बी हैप्पी इन दैट एज वेल. तो ठीक है, वो इस साल कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ रीजन ही था तभी वो कंप्लीट नहीं हो पाए. नए जब आप अगर आप नए प्लानिंग प्लानर आपने स्टार्ट किया है, तो मेक श्योर अपने प्लानर को ऐसी जगह पर रखिए, या तो आप अलार्म भर लीजिए अपने मोबाइल में कि इतने बजे आपको अपना प्लानर देखना ही देखना है और उसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, और रात को आपको अपना प्लानर देखना है. और नहीं तो दिन भर में एक बार तो आपको अपना प्लानर देखना ही देखना है. या तो आप लास्ट डे की टिक डाउन करिए चीज़ें और नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हैं या उस दिन क्या करने वाले हैं वो चीज़ें नोट डाउन करिए. सो यू नो, मेक योर हैबिट कि आप एक दिन प्लानर को ज़रूर देखें ही देखें. तो ऐसे करते करते अगर आप 3-4 months आप करेंगे ना, तो आपको वो ऑटोमेटिकली हैबिट में आ जाएगा ये करने का. सो इन दिस वे यू कैन मेक योर प्लानर. और अपना डेली जो गोल्स वाला है ना एरिया,
वो आप, क्योंकि जब आप खोलते हो ना अपना प्लानर तो आपका ऑब्वियसली फ्रंट पेज गोल्स वाला ही आता है, तो मैं पढ़ती ही पढ़ती हूँ वो गोल्स, नजर जाती ही है उन पर, आप देखते रहते हो डेली, जब वो चीज देखते हो तो आप करने के लिए स्टेप्स और एक्शंस भी लेते हो. सो दिस इज हाउ आई यू नो मैनेज और मेंटेन माय प्लानर एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई लिटरली सजेस्ट यू एंड रिकमेंड यू कि आप ये प्लानर नहीं, आप स्टार्ट करो खुद के प्लानर बनाने से, आप DIY प्लानर बनाओ क्योंकि ये तो एक्सपेंसिव है. और फर्स्ट टाइम पे मैंने भी DIY प्लानर ही किया था एंड उसके बाद जब मुझे लगा देन आई मूव टू दिस होल इन टू यू नो एक्सपेंसिव प्लानर्स एंड ऑल. तो जब आप DIY प्लानर बनाओ उसमें प्रैक्टिस करो, तो लगे कि येस आई नीड द प्लानर एंड आई एम डूइंग गुड और मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है इससे, देन गो फॉर इट, गो फॉर एंड बाय अ गुड प्लानर फॉर योर सेल्फ. सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई प्लानर. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि कौन सा bucket list या resolution है जो मैंने complete कर दिया है. So basically I wanted to attend you know lot of new workshops as I said earlier कि मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखना है technical terms में. ऐसे तो सब हम देख के इधर उधर से करके कर ही लेते हैं. So I have attended a 2 days intensive interior styling workshop. So basically interior designing and styling both are total different thing. Designing एकदम अलग होता है and styling एकदम अलग होता है. जैसे बहुत सारे लोग architecture और इंटीरियर डिजाइनर्स को सेम समझ लेते हैं, बट देयर इज अ लाइन बिटवीन देम. तो सेम लाइन जैसे डिजाइनर और स्टाइलिस्ट है उसमें भी होती है. तो इफ यू वांटेड टू नो थिंग्स इन डिटेल्स और क्या था क्या नहीं था इन एवरीथिंग, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस. एंड सो ये मेरा एक कंप्लीट हो गया है. देर आर मोर बकेट लिस्ट विच आज गोइंग टू कम्प्लीट इन जनवरी ओनली, और बाकी देखते हैं कब कम्प्लीट होती है. होपफुली जल्दी कम्प्लीट कर पाऊँ मैं. सो नाउ आई एम अ सर्टिफाइड इंटीरियर स्टाइलिस्ट एंड 5 hours की हम लोगों की वर्कशॉप हुई है 2 दिन की. दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई विल फिनिश माई ब्लॉग हियर एंड आई होप यू रियली एंजॉयड इट. एंड इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.